वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल इकलाक खान गेमिंग में। सो गाइस, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि ड्रीम इलेवन के ऊपर होगी। इस सीरीज़ में मैं आपको हर एक वीडियो में अलग अलग जानकारी देता रहूँगा ड्रीम इलेवन के बारे में। सो शुरुआत करेंगे कि ड्रीम इलेवन क्या है, ड्रीम इलेवन क्यों प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है और हम ड्रीम इलेवन को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आपको और भी ऐसी जानकारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है आपके ब्राउज़र में, जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ आपको टाइप करना है ड्रीम इलेवन। जैसे आप ड्रीम इलेवन टाइप करोगे आपको जो पहला ऑप्शन आएगा ड्रीम इलेवन की ऑफिशियल वेबसाइट, कुछ कीजिए आप वहाँ से ही डाउनलोड कीजिए उनका जो एप्लीकेशन है। आप जब क्लिक करोगे तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसमें जो ऑप्शन आ रहा है लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्रोम के द्वारा। मैंने क्रोम पे क्लिक किया, ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। ये iOS के लिए भी अवेलेबल है और एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है। तो आपको डाउनलोड ऐप पर क्लिक करना है जो कि आपका डाउनलोड होने के बाद आपको ऐसे ओपन होगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम इलेवन पे सॉरी प्ले स्टोर पे ड्रीम इलेवन क्यों अवेलेबल नहीं है। इसका एक ही रीज़न है गाइस, सो बेस्ड ऑन द पॉलिसीज, जो पॉलिसीज होती हैं प्ले स्टोर की, उसमें कोई भी पेड कॉन्टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जहाँ तक मैंने भी देखा है उनकी जो पॉलिसीज है, पेड कॉन्टेस्ट मतलब जैसे कि ड्रीम इलेवन खिलाता है कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया और आपको उसके इन्वेस्ट करने के बाद आप जीतते थे आपको उसके ज़्यादा कुछ पैसे मिलते हैं, तो ये होते हैं पेड कॉन्टेस्ट। और कुछ कुछ लीग्स होती है जो कि मतलब ना प्राइवेट कॉन्टेस्ट खिलाते हैं जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज। सो आपने और भी सर्च किया होगा और भी जो फैंटेसी एप्लीकेशन है जैसे कि माई इलेवन सर्कल, माई टीम इलेवन, हाउस एट और बाकी और भी है। सो वो भी आपने देखा होगा कि वो भी अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पर, क्योंकि वो भी सब पेड कॉन्टेस्ट खिलाते हैं। सो जो पॉलिसीज़ है उस हिसाब से तो आपको प्ले स्टोर पर सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। उनकी खुद एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है जैसे कि dreamelevn.com। अगर आपको ड्रीम इलेवन का ऐप डाउनलोड करना है सो आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपको मैंने पहले ही बताया है कि कैसे डाउनलोड करना है। सो हमने बात कर ली कि ड्रीम इलेवन प्ले स्टोर पर क्यों अवेलेबल नहीं है और ड्रीम इलेवन को हम कैसे डाउनलोड करें। अब बताऊंगा कि ड्रीम इलेवन क्या है। ड्रीम इलेवन बेसिकली एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, ऐप है, जहाँ पे क्रिकेट के फैन, अगर आप क्रिकेट देखते हैं खेलते हैं तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ड्रीम इलेवन का नाम सुना ही होगा, क्योंकि हमारे लास्ट ईयर IPL का स्पॉन्सर भी था ड्रीम इलेवन, तो आप जानते होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी पैसे कमाएं तो आप ड्रीम इलेवन डाउनलोड करके, मैंने आपको बता दिया है, उस पर डाउनलोड करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके आगे आपको क्या करना है, कैसे खेलना है, कौन सी आप लीग ज्वाइन करें, कौन सा आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, टीम कैसे बनाएं, जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आपके हमारे आगे की वीडियो में देता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस देखने को मिले। ये था पार्ट 1, पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।